नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है उसे ओपन कर दिया गया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन होने लगा है, साथ में आपका ऑनलाइन पेमेंट भी होने लगा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताता था कि इस वाले वेबसाइट पे, पेमेंट वाले वेबसाइट पे फ़िलहाल देख सकते थे कि केवल एग्जामिनेशन फॉर्म भी का ऑप्शन आता था। यहाँ पे आपका जैसे ही रिफ्रेश करने पे लेटेस्ट क्या है तो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे आएगा रजिस्ट्रेशन फ़ी का भी ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी देख सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ स्टेप्स बता दिए हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जिससे कि आप लोगों का वहाँ पे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाए, फॉर्म सबमिट हो जाए। आप सभी देख सकते हैं वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रहा है, बट वेट कर लेते हैं, ओपन होगा और आप लोगों को मैं बताता हूँ सारा स्टेप्स। देख सकते हैं पेज रिफ्रेश हो गया है। यहाँ पे SVT पेमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी दिख रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी हटा दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम तो डिप्लोमा का कंडक्ट हो चुका है, जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर का होना था। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पर है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, लिंक तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग इन सब चीज़ों को लैपटॉप में ही करें तो अच्छा है, और पेमेंट आप लोग करिएगा तो बहुत ही सावधानी से, और बैक उक नहीं कीजिएगा वरना पेमेंट फेल होगा तो आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये जो नंबर्स है वो आपको बहुत काम आएंगे, ये ईमेल भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इन सबों को देख लीजिए। यहाँ पे कोई समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये जो नंबर है उसमें आप 52 लगा करके एक नंबर मिल गया, और ऐसे ऐसे लास्ट में आप 53 भी लगा सकते हैं, 55 भी लगा सकते हैं, 57, 58, 61 तक, यानी कि करीब करीब 11-12 नंबर आपको दिए गए हैं, तो 10 नंबर आपको पास है। आप इन पे कॉल लगा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेमेंट में कोई समस्या आती है, रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या आती है, तो ईमेल भी SVT हेल्पलाइन ने जारी किया है। अब रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका 800 रुपये डाल देने हैं, ठीक है। उससे पहले आपको अपना रोल नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, लॉगिन कीजिएगा, अब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पिछले वीडियो में बार बार कमेंट कर रहे थे कि फाइंड एरर नहीं हो रहा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, पहले पेमेंट आपको करने हैं, ठीक है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन भी अब होगा। अब आप लॉगिन कीजिएगा इस EMS वाले पोर्टल पे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले आप यहाँ से पेमेंट करेंगे, पेमेंट का फी रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे, साथ में अब यहाँ से आप लोग का रजिस्ट्रेशन करके यूजर नेम आपको कैसे बनाना है तो कोई यूनिक रख दीजिए नाम, ठीक है। जैसे आपका अगर कोई नाम है तो नाम वाला ही रखिए ताकि आपको भविष्य में याद रहे। जैसे नाम हो गया आपका, मेरा नाम जैसे रुद्र हुआ तो रुद्र लिख दिए, 1, 2, 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सही है तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, कुछ नहीं शो किया, यानी कि ये यूजर नेम यूनिक है, अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने इसे नहीं बनाया है तो ये अलाउड है, ठीक है। उसी प्रकार से आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, कंफर्म ईमेल कर दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर दोबारा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर हो और आपके इंट्रेंस डिप्लोमा के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड पे हो, वो सभी डाल दीजिए। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स वाले पे यहाँ पे सिलेक्टेड है, उसमें आपको सिलेक्टेड नहीं रखना है, आपको न्यू स्टूडेंट BCC या फिर BPT PIA रोल नंबर, इस पर क्लिक करके तब आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या होगा तो आपके ये जो यूजर नेम तो वही रहने वाला है, आपको पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर पे दे दिया जाएगा। या फिर अगर आप अगर यूजर पासवर्ड मान लेते हैं, आपको मैसेज यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पासवर्ड वहाँ से ऑटो जनरेटेड आएगा ईमेल पे, अगर नहीं आता है तो जो आपने यूजर नेम बनाया है उससे ही पासवर्ड में सेम चीज़ डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। क्या दिखेगा तो सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप सभी को दिख जाएगा। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स शायद क्या है, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी
रजिस्ट्रेशन करके दूसरे स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर में मान लेते हैं चल गए हो कुछ भी, तो आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिखेगा, इनको नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रोल नंबर नहीं है जो न्यू स्टूडेंट्स वाले आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैं एक पीडीएफ से बतला देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट किस वेबसाइट से करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद यहाँ से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे इत्यादि चीज़ें डाल करके, उसके बाद क्या होगा जो आपको यूजर नेम पासवर्ड है उसे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप लोग इन सब चीज़ों को देख लीजिए, इतना बेसिक डिटेल्स आपको भरने हैं। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका डिटेल्स आ जाएगा, आपका सभी डिटेल्स, आपका रोल नंबर क्या है, आपको कौन सा कॉलेज एलोट हुआ है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, सब कुछ आ जाएगा। अब क्या है, बेसिक डिटेल्स में आपको मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि चीज़ें डाल देना है। फिर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर या फिर एडमिट ऑर्डर, जो एडमिशन हुआ है उसका कुछ यहाँ पे फाइल लगा दीजिएगा, 100 KB से कम PDF फाइल होना चाहिए। मैट्रिक का डिटेल्स डाल दीजिएगा यहाँ पे, बोर्ड नेम, कॉलेज नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, रिजल्ट, मार्क्स, साथ में जो लेटरल इंट्री से स्टूडेंट्स हैं उनको 3 चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा, इंटर और 12th का सर्टिफिकेट एक और एडिशनल, ठीक है, ITI से आए होंगे तो उनको ITI का सर्टिफिकेट, एडमिट ऑर्डर और मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये सभी सेम है जो फ्रेशर है, जो जिनका 3 ईयर से सेम चीज़ होने वाला है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ से आप जब सेव पे क्लिक कर दीजिएगा, सब कुछ भर के सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, प्लीज़ डाउनलोड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिट टू योर इंस्टीट्यूट। तो प्यारे साथियों, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करिएगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन पे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंट करवा लीजिए और आपने पेमेंट किया है उसका प्रिंट करवा लीजिए और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लीजिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप कॉलेज में जाइए और सब कुछ करवाइए, एडमिशन को पक्का करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं इत्यादि चीज़ लगने वाला है। और कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिया है एडमिशन के वक्त, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं थे कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो कॉलेज वाले आपको समय देते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप जो है कॉलेज में जो कुछ भी छूटा हुआ डॉक्यूमेंट है वो सभी ओरिजिनल कॉलेज को जमा कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के साथ साथ। लास्ट डेट क्या है, तो 6 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 26 से स्टार्ट था, ठीक है, और इसलिए आप लोग पहले से ही घबरा जाते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि आप लोग एक आपको जागरूकता रहे, आप लोग कैसे कर रहे हैं वो पता रहे, ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आसानी से कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए क्योंकि वेबसाइट का ट्रैफिक अब हाई होने वाला है और पेमेंट इत्यादि चीज़ों में दिक्कत आने वाली है, तो इसलिए आप लोग जितना जल्द हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। किन्हीं स्टूडेंट्स को अगर करवाना है, ठीक है, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा,